बच्चों, हमारे आसपास अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जिन्हें हम अक्सर देखते हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते। ऐसे जीवों को सूक्ष्म जीव कहा जाता है। इन सूक्ष्म जीवों को हम किसी यंत्र के द्वारा भी देख सकते हैं। इस यंत्र को हम सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप कहते हैं। सूक्ष्म जीवों की रचना के आधार पर हम इन्हें 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला प्रकार है इसका शैवाल, दूसरा जीवाणु, तीसरा कवक, चौथा प्रोटोजोवा और 5वां प्रकार है विषाणु। सूक्ष्म जीव का पहला प्रकार है शैवाल। ये नीला हरा शैवाल, इसे नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भी ये कार्य करता है। इसका दूसरा एक प्रकार होता है स्वर्ण शैवाल या डायटम्स। इसे स्वर्ण शैवाल या डायटम्स कहते हैं। ये समुद्र की सतह पर हल्के भूरे रंग के पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें स्वर्ण शैवाल कहा जाता है। सूक्ष्म जीव का तीसरा प्रकार है जीवाणु। ये जीवाणु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा अत्यंत नम युक्त स्थानों पर पाए जाते हैं। इनकी संरचना भी हम देखें, ये गोलाकार, दंडाकार या सर्पिल आकार के होते हैं। सूक्ष्म जीव का तीसरा प्रकार है कवक, जिसे हम फफूंद भी कहते हैं। अक्सर बरसात के दिनों में हम इन्हें कुकुरमुत्ते के रूप में उगते हुए देख सकते हैं। इनके शरीर को हम थेलस भी कहते हैं। ये इस प्रकार से ये रचना थेलस कहलाती है। कुछ बारीक संरचनाएं होती हैं। बरसात के दिनों में ये हमारे खाद्य पदार्थ जैसे अचार, रोटी आदि पर ये उगते हुए देखे जा। सूक्ष्म जीव का चौथा प्रकार है प्रोटोजोआ। इसमें एक कोशी जीव आते हैं। उसका हम उदाहरण देखें, जैसे अमीबा, ये एक कोशी होता है। इसमें एक केंद्रक पाया जाएगा और ये कूटपात के द्वारा अपना प्रचलन करता है। इसमें कुछ खाद्य धानियां पाई जाती हैं तथा खाद्य कणिकाएं भी पाई। प्रोटोजोओ का ही एक और प्रकार है पेरामेशियम। ये भी एक कोशी जीव होता है तथा इसमें प्रचलन इसके सीलिया द्वारा होता है। इसमें एक केंद्रक पाया जाता है। इसकी आकृति चप्पल नुमा होती है। इसमें भी साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है तथा यह एक कोशी जीव है। प्रोटोजोआ समूह में अमीबा पेरामेशियम एक कोशी जीव पाए। सूक्ष्म जीव का आखिरी और 5वां प्रकार है वायरस। ये वायरस जीवित और अजीवित की कड़ी भी कहा जाता है। इसमें न्यूक्लियक अम्ल, कवच, स्पाइक, कैप्सोमेर, कैप्सिड आदि इस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं। यह हमारे जीवित और अजीवित के बीच की कड़ी भी पाया जाता है, क्योंकि यह अजीवित और जीवित दोनों प्रकार के लक्षणों को प्रदर्शित करता है।